हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और हम जो है कंप्लीट टेंस फॉर बिगनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप न्यू पर्सन हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देखें, नहीं तो आपको वीडियो और समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे और फिर आप कमेंट लिखेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। तो आप शुरू से ही वीडियो देखें। मैंने सिंपल से शुरू किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हम इस चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। फोर सब डिवीजन टाइप्स ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस जो मैंने बता रखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई भी वाक्य में अगर लास्ट में गा, गी, गे आता है तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। इसे नोट्स में लिख लें कि गा, गी, गे जो वाक्य के लास्ट में आता है उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस आगे का रहेगा, तो विल विल के बाद वर्ब के बाद सीधा वी वन आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और एग्जाम्पल। सिंपल फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल, आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। लास्ट में गा आ रहा है, आप देख सकते हैं। आई विल मीट हिम टुमोरो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। फ्यूचर में पूरा जा रहा है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सब फ्यूचर में ही जाएगा और वी वन आएगा। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि वी वन आ रहा है यहाँ पर। ही विल डेफिनेटली कम हेयर, वो यहाँ जरूर आएगा। ही विल विन द मैच, वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच। आई विल नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई विल नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी या पड़ेगी होगा, समझ गया। आई विल डू इट, मैं यह कर लूंगा। तो सब वाक्यों में जो है गा है, गी है, गे है आ रहा है। तो आप हिंदी में भी यहाँ पर ब्रैकेट करके जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उससे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, आप खुद से इसे ट्रांसलेट करें। अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया है तो आप पॉज करें और इसे कॉपी में लिखें और फिर आगे की स्लाइड देखें जिसमें कि आंसर दिया हुआ है। तुम पार्टी में जाओगे, हम जल्द ही निर्णय लेंगे। तुम एक दो दिन में ठीक हो जाओगे। तुम जूते पॉलिश करोगे, मैं खेलूंगा। ये जो है जितने भी सेंटेंस है देख रह सकते हैं, गा है, गी है, गे है आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिया गया है तो आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यू विल गो टू द पार्टी, वी विल डिसाइड सून। यू विल गेट बेटर इन ए कपल ऑफ डेज। यू विल पॉलिश शूज। आई विल प्ले। तो ये जितने भी हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। मैं आपको बाद में फुल एक बहुत सारी वीडियो मतलब दूंगा सेंटेंस जो कि हर टेंस से मिक्सअप रहेगा, आपको पहचानना भी होगा और ट्रांसलेट भी करना होगा। तो उसका बिल्कुल भी वो ना रखें, आप देखते जाएं और पढ़ते जाएं। मैं आपको लास्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। संभावना व्यक्त करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जा सकता है। संभावना व्यक्त करने के लिए, ही विल बी एट होम नाउ, वो शायद घर होगा, वो शायद घर होगा। संभावना, इसमें गाय घी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान रखें कि संभावना व्यक्त करने के लिए जैसे कि मे माइट का प्रयोग पहले होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा मे माइट का प्रयोग, लेकिन आप अभी मान के चलिए कि संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य में
विल का प्रयोग हो सकता है। ही विल बी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी स्टील माई पेन, वो मेरा पेन चुराया होगा। तो देख सकते हैं संभावना व्यक्त करने वाली जितने भी आप सेंटेंस हैं अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसमें विल का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में। अगर आप पूछ रहे हैं तो हालांकि वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा ही और उसमें शैल का प्रयोग किया जा सकता है। Shall we eat out today? Which toy shall I buy? मैं कौन सा खिलौना खरीदूं? How shall I do this? मैं यह कैसे करूंगा? Where shall we meet? हम कहां मिलेंगे? Where shall we go today? हम आज कहां जाएंगे? तो ये जो है इसमें shall का प्रयोग किया जा सकता है, प्रश्नवाचक वाक्य है पहली बात तो आप देख सकते हैं, और पूछने के लिए यूज हो रहा है, दूसरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, तो ये सब में शैल का प्रयोग किया जा सकता है, तो ध्यान रखें। और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्रांसलेट करें आप इस सेंटेंस को, अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और अपने कॉपी में लिखें, और अगर आपको आंसर मिल गया है आप लिख चुके हैं तब आगे का स्लाइड देखें। मैं यह कैसे करूं? क्या मैं इस कमरे को साफ कर दूंगा? क्या अब हम चलें? तो ये सब जो सेंटेंस है इसको आप कॉपी में लिखें और फिर आगे की स्लाइड में जाएं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आंसर जो है How shall I do this? मैं यह कैसे करूं? Shall I clean this room? ये भी पूछने के लिए हो रहा है, तो shall तो लगेगा ही, और v1 भी है, और shall we go now? तो v1 भी है और shall भी है, और ये पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, तो shall का प्रयोग होगा ही, और v और i और v के साथ shall का प्रयोग रहेगा ही। जो मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसे कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा अलग में बगल में, जिससे कि आपको बेटर बाद में समझ में आ सकता है, या तो फिर आप वीडियो हमेशा ही अवेलेबल रहेगा तो इससे बाद में भी आप देख सकते हैं। चलिए आप हर एक वीडियो को एटलीस्ट दो बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको हर वीडियो में हर बार जब देखेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि फर्स्ट बार में आप गेट नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। कोई बात होगी भी या होनी ही चाहिए, कोई बात होगी भी या होनी ही चाहिए, या होगी ही या होनी ही चाहिए, ये होगा होनी ही या होनी ही चाहिए के लिए भी शैल का प्रयोग किया जा सकता है। यू शैल गेट योर राइट्स, तुम्हें अपना हक मिलना ही चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। यू शैल गेट दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब मिलना ही चाहिए, होगा ही, ये दर्शाने के लिए शैल का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, मतलब पूछने के लिए भी नहीं है, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को भी याद रखें कि ऐसा सेंटेंस में शैल का प्रयोग किया जा सकता है। यू शैल विन दिस मैच, तुम यह मैच जीतोगे ही, मैच जीतोगे ही मतलब करोगे ही, ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंस जो होंगे उसमें शैल का प्रयोग होगा ही होगा, तो आप ऐसे सेंटेंस को भी ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, हम पूरा टेंस खत्म करेंगे, फिर प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस सब देखेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें। आपको फ्री में नॉलेजेबल वीडियो मिल रहा है तो आपका हक बनता है कि आप लाइक करें और शेयर जरूर करें और भी अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह, थैंक यू वंस अगेन, बाय।